जनपद संभल के चंदौसी में कुछ दिन पहले निवस्त्र होकर युवक नगर के मोहल्ला राज निवासी होरी दूसरे समुदाय के घर में घुसने पर महिला द्वारा लगाए गए आरोप के आधार पर पुलिस ने जेल भेजा, जहां उसकी तबीयत खराब होने पर उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना कोतवाली पुलिस ने मृतक के परिजनों को दी। परिजनों में सूचना पाकर कोहराम मच गया। आपको बताते चले, नगर के मोहल्ला राज में एक युवक दूसरे समुदाय के मकान में निवस्त्र होकर 21 अप्रैल को घर में घुस गया, जहां आरोप है कि घर में अकेली महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगा था। महिला युवक के चंगुल से छूटकर बाहर निकली और शोर मचाने लगी, जिस पर युवक ने महिला के कमरे में कुंडी लगाकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और निवस्त्र लेट गया था। महिला का शोर शराबा करने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। वहीं पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस ने युवक को भीड़ से बचाते हुए हिरासत में लेकर कोतवाली ले आई और युवक के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसे जेल भेज दिया। वहीं परिजनों द्वारा बताया गया कि उसकी तबीयत खराब होने से अचानक उसकी मृत्यु हो गई, जिसको लेकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं मोहल्ले में मृत्यु की सूचना पाकर भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, जहां पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। उसके बाद भीड़ कोतवाली पहुंची, पुलिस ने समझा बुझाकर शांत करके वापस भेज दिया। मेरो बेटा खत्म होया गा, ओ मैया मेरी रे। क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बेटा को रे लाल नाम। क्या हुआ उसको, कैसे खत्म हो गए? कहाँ थे वो? आज 9 दिन जेल में बंद करा दे मैया मेरी रे। तो आपको जानकारी कैसे हुई? मैं तो समर में ही लोनिया के दो रह रे। तो आपको पता कैसे चला ये जो आप बता रही हैं बात? हम बता रही हैं, अब वहाँ से बुला कर लाई लोनिया मेरी। वो कहने आए। क्या बताया उन्होंने? ज्यादा हालत खराब है उसकी, गंभीर है। तो जब जब पुलिस कह रही है गंभीर हालत है, बीमार है, तो आप ये कैसे कह रही है खत्म हो गए? एक बार कह दिया ना। क्यों? जब पहली बार पुलिस वाले आए थे। थाना कोतवाली चंदौसी के अंतर्गत मोहल्ला राज में एक युवक होरीलाल वाल्मीकि 21 अप्रैल को अपने घर के पास में स्थित दूसरे समुदाय के एक घर में निर्वस्त्र होकर घुस गया था। वहां उपस्थित महिलाओं के द्वारा शोर मचाया गया और छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। आसपास के लोगों के द्वारा पकड़कर इस युवक को पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस द्वारा उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इस युवक को 21 तारीख को ही जेल भेज दिया गया था। जिला कारागार मुरादाबाद में 29 तारीख की शाम के करीब इस युवक की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। परिजनों की प्रार्थना पत्र पर रात में ही इसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, वह बिस्तरा प्रिजर्व किया गया है। इस पूरे मामले की नियमानुसार जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी जज के द्वारा जांच की जाएगी। शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है तथा इस पूरी परिस्थिति पर निगाह बनाई रखी गई है। इसमें जो भी आगे विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है। वह किसी भी प्रकार के अन्य जो भी उनकी एप्लीकेशन होगी उस पर भी विधिक कार्यवाही की जाएगी। धन्यवाद।